Hello, dear brother and sisters. Here the speaker, KP sir. Welcome to the class once again. Are you ready? Yes, sir. Okay, today also I am going to teach you a very important and essential topic which topic will help you in the written English and in the spoken English. So you should be ready to learn. I will teach you, but before that, I want to tell you a story. Are you ready to listen the story? Yes, sir. Okay, let us listen the story. Who is intelligent? The name of the story is Who is intelligent? Intelligent kun hai? Ek bar kya hua? Once boy was returning from a theater. One boy went to enjoy a theater at night. Then he was returning. He was alone. Akele return ho rahe the. Suddenly on the road, रास्ते में suddenly उसको किसी ने attack किया. He was attacked by someone. एक दूसरा आदमी अचानक उसको क्या कर दिया, attack कर दिया. कि उसको क्या दिखाया, pistol दिखाया. Pistol दिखाकर बोला कि hands up. जब उस लड़का को क्या बोला कि hands up, तो उस लड़का ने भी क्या किया, अपना हाथ ऊपर उठाया, hands up किया. Hands up किया. तो वो पिस्टल वाला आदमी ने उसको क्या बोला, गिव योर पार्ट्स. पिस्टल वाला आदमी ने क्या बोला उस लड़का को, गिव मी योर पार्ट्स, तुम्हारा पार्ट्स मुझे दे दो. तो वो लड़का क्या कर सकता था, वो तो डरा हुआ था. तो उसने भी अपने पॉकेट से अपना पार्ट्स निकालकर उस पिस्टल वाले आदमी को दे दिया. जैसे ही पिस्टल वाले आदमी को पार्ट्स मिल गया, तो उसने हंसने लगा. डियर हैव नो बुलेट इन माय पिस्टल, मेरे पिस्टल में कोई बुलेट ही नहीं है. तो उस लड़का ने क्या किया जानते हो, उसने भी उसको जवाब दे दिया. उसने भी हंसने लगा. देयर हैव नो मनी इन माय पर्स, मेरे पास में कोई मनी ही नहीं है. तो पिस्टल वाले आदमी को क्या लगा, गुस्सा आया. गुस्सा करके वो मांस उसको ही फेंक दिया और वहां से चला गया. और ओरिजिनली क्या था, एक्चुअली उस पर्स में क्या था, पैसा था. लेकिन उसने उसको क्या बनाया, उल्लू बनाया. सो देखो, इंटेलिजेंट कौन है, वो जो लड़का है. इसलिए हमें इंटेलिजेंट बनना चाहिए. वी शुड हैव टू बी इंटेलिजेंट. चलो आज का टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करता हूँ. इसलिए आप लोग मेरे इस चैनल को द स्पीकर केपी सर को सब्सक्राइब कर लीजिए. और आज का जो टॉपिक है ये अंत तक दिखेगा. बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और ये टॉपिक ये है कि मार्क्स. I am going to teach you today about marks. M U S T, marks. We will use marks in sentence. देखो जरा marks हम कैसे use करते हैं. Directly I want to give some sentence and I want to make you clear. जैसे कि number one मैंने वहां लिखा है. जैसे कि यहां से लिखता हूं number one. ध्यान से लिखियो. I march do it. क्या लिखा मैंने, I march do it. I का मतलब सब्जेक्ट है, जो काम करने वाला है वही सब्जेक्ट है. उसमें हम मास फॉर्मूला लगा दिया. I march do का मतलब है प्रेजेंट भार, इन्फिनेटिव, जो मैं पहले भी सिखा चुका हूं. और it एक काम है जिसके, I march do it, मुझे ये करना है, मुझे ये करना ही है. जैसे कि पहले मैंने आप लोगों को सिखाया था क्या, आई देखो ये सेंटेंस को देख लो, तो जाकर क्या, आई हैव टू डू इट, मुझे ये करना, आई हैव टू डू इट, मुझे ये करना है. आई हैव टू डू इट उसका मतलब है मुझे ये करना है. और वह देखो अभी, आई मस्ट डू इट, मुझे ये करना ही है. दैट्स व्हाट कंपल्सरी, करना ही है, करना ही है. I must do it, मुझे ये करना ही है. ठीक, इसी प्रकार. और इसी मास का नेगेटिव फॉर्म भी होता है, मस्ट नॉट, जो कि मैं यहां देने वाला हूं. देखो M U S T, मस्ट. और क्या है, नॉट, मस्ट नॉट, उसको हम शॉर्टली बोलेंगे माजन. शॉर्टली क्या बोलेंगे, मस्ट माजन. ये देखो हम लोग शॉर्ट में ही बोलते हैं और लिखते हैं माजन. मास का मतलब करना ही है पॉजिटिव में. और अगर नेगेटिव में लिखना है तो क्या होगा,
मास्टर और महाजन, जैसे कि उसी एग्जांपल को हम यहाँ लिखेंगे। देखो आई को आई ही रख दिया, यहाँ मास लिखा था, उसके बदले यहाँ क्या लिखेंगे हम, महाजन, एम यू एस टी, महाजन। हार्ट उसी को लिखेंगे, प्रेजेंट हार्ट, ही वन मतलब डू इट, आई महाजन डू इट, मुझे ये बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना, नहीं करना मतलब नहीं करना, उसका मतलब ये है, और करना मतलब करना ही है, मार्क्स, ओके। चलो इसको रिजर्व करता हूं, तो और एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल एग्जांपल मेक अस क्लियर, एग्जांपल हमको क्लियर कराते हैं। चलो नाउ नंबर टू, जैसे कि उसमें हम लिखेंगे दे, दिस इज सब्जेक्ट दे, उसके बाद क्या लिखेंगे, मार्क्स, एम यू एस टी, दे मार्क्स, जैसे कि गो, डियर, दे मार्क्स गो डियर, उनको वहां जाना ही है, मतलब जाना जरूरी है, दे हैव टू गो डियर, में दे हैव टू गो डियर बोलने से क्या होगा, उनको वहां जाना है, जैसे कि हैव टू फॉर्मूला मैंने पहले सीखा है, लेकिन हैव टू नहीं, मार्क्स मतलब जाना ही है, लेकिन फॉर्मूला को अच्छी तरह से समझो, सबसे पहले हमको क्या लिखना है, यहाँ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बोले तो आई वी ही सी राम जुडू मुडू, ये सबको जो कुछ लिखना है वो सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है हमें, ये जो फॉर्मूला का मास है वो मास बैठाना है हमको, उसके बाद यह क्या लगाना है, मैं फिर समझा रहा हूँ, देखो ऐसे करके समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ये क्या हो गया सब्जेक्ट, ये क्या हो गया सब्जेक्ट, ये क्या आ गया मास फॉर्मूला, और ये क्या हो गया, देखो ए एक फी वन, फी वन मतलब प्रेजेंट हाँ, ओके। चलो और एग्जांपल लिखते हैं ताकि ज्यादा क्लियर हो जाए आप लोगों को, देखो यहाँ हमने क्या लिखा, यू, यू इज सब्जेक्ट नाउ, यू सब्जेक्ट आ गया, अभी क्या लिखेंगे मार्क्स, यू मार्क्स, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, बहुत शॉर्ट टाइम पर ही सिखाऊंगा, ठीक है, बहुत शॉर्ट टाइम पर क्लियर कराऊंगा मैं, यू मार्क्स सपोज प्ले, यू मार्क्स प्ले नाउ, ये देखो ये क्या आ गया प्ले ही वन प्रेजेंट वर्ब और प्रेजेंट वीक, ये देखो सब्जेक्ट ये मास है, यू मास प्ले नाउ, तुम्हें अभी खेलना ही है, यू हैव टू प्ले नहीं, यू हैव टू प्ले बोलने से तुम्हें खेलना है, लेकिन यू मास प्ले तुम्हें खेलना ही है, उसी सेंटेंस को हम नेगेटिव में भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट इन नेगेटिव, ये देखो टू नंबर का सेंटेंस क्या था, फिर मैं बोल रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कम सीखेंगे क्लियरली सीखेंगे, हम लोग का कॉन्सेप्ट ऐसा होना चाहिए, दे मस्ट गो डियर, उन लोगों को वहां जाना ही है, ये लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे दे, दे आ गया दे, मस्ट के बदले हम क्या लिखेंगे बोलो जरा, महाजन, दे महाजन गो डियर, उनको वहां नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जाना है, और उसको यू मस्ट प्ले नाउ, तुम्हें अभी खेलना ही है, तो नेगेटिव में क्या होगा, यू मजन, यू मजन प्ले, प्ले का स्पेलिंग पी एल ए वाई, प्ले नाउ एन ओ डब्ल्यू, अगर क्लियरली नहीं देख रहा है तो सुनो, बिकॉज लिसनिंग इज द फर्स्ट स्किल, यू लिसन एंड यू राइट एंड यू स्पीक, यू मजन प्ले, तुम्हें खेलना नहीं है, मतलब तुम्हें बिल्कुल नहीं खेलना है, समझ रहे हो ना सभी, चलो ऐसे ही हम लोग मास और माजन को सिखाए, और क्वेश्चन भी बना सकते हैं, कुछ क्वेश्चन भी बना सकते हैं, समझ रहे हो ना तुम लोग, इसलिए आखिर तक जरूर देखिएगा, और ज्यादा लगता है नहीं लूंगा मैं, ओके। चलो उसको इरेज करता हूँ, हम कुछ क्वेश्चन के साथ सीखता हूँ, जैसे कि कुछ और सिखाने वाला हूँ यहाँ में, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट मास क्वेश्चन के साथ लिखेंगे अभी, देखो ये एक क्वेश्चन हो गया, व्हाट मास यू डू, ये देखो व्हाट मास यू डू, तुम्हें क्या करना है, क्या करना ही है, तो हम लिखेंगे अगर स्टूडेंट है तो क्या कहेगा, यू मास स्टडी, यू मास स्टडी, इजन इट, यू मास स्टडी, ठीक उसी प्रकार हुआ, हम लिखेंगे व्हाट मजन दे डू, नेगेटिव क्वेश्चन, चलो यहां लिखेंगे
व्हाट, यहाँ नेगेटिव उधर लिख रहा हूँ ना, इधर लिखेंगे देखो, ऐसे हम लोग बोर्ड पोजिशन कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाट अमेज़न, देखो उसमें लिखा मैंने व्हाट व्हाट मार्जन, सपोज ही डिंग, व्हाट मार्जन ही डू, उसको क्या करना, नहीं सही, ही मार्जन, ही मार्जन फाइट, उसको फाइट नहीं करना है, ही मार्जन फाइट, ऐसे ही हम क्वेश्चन बना सकते हैं। इस फॉर्मूला को समझे, एक ही सेंटेंस को लेके बहुत क्वेश्चन बनाइए आप लोग, जितना क्वेश्चन बनाएंगे उतना ही आंसर आएगा, जितना क्वेश्चनिंग आंसरिंग करेंगे उतना ही सीखने को मिलेगा आपको। अगर आपका नॉलेज बढ़ाना है तो क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग विल हेल्प यू। हु टोल्ड दिस, द ग्रेट फिलोसोफर सोक्रेटिस टोल्ड दैट। अगर आपको परफेक्ट बनना है, अगर आपको एजुकेटेड बनना है, तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग, द क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग विल मेक यू परफेक्ट। So I hope you have got some idea about this mass and margin. So I will see you on next class. You then till then, bye bye.